हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कम चीजों से आज हम झटपट सब्जी बना के तैयार करेंगे। आलू का ना लहसुन ना प्याज, हम वो सब चीजें नहीं डालेंगे। कम चीजों से स्वादिष्ट सब्जी बना के तैयार करेंगे। देखिए, हमने चूल्हा ऑन किया हुआ है, कढ़ाई रख दिया, हमारा तेल गर्म हो रहा है। इस समय हम इसमें डालेंगे जीरा डालेंगे। देखिए, हमने ये जीरा डाल दिया। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। देखिए, हमने मसाले ले रखे अपने, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये हल्दी। अब हमारा जीरा जब चटक जाएगा उसके बाद से हम अपने मसाले डालेंगे भूनने के लिए। देखिए, हमारे जीरे चटक गए हैं। हमने ये चार हरी मिर्च लिया हुआ है, इसको हम डाल देते हैं। देखिए, इस समय हम अपने ये मसाले डाल देते हैं जो हमने मसाले आपको दिखाए थे। ये मसाले डाल के हम भूनेंगे। देखिए, मसाले हमारे भून चुके हैं। इसमें हम पानी डाल देते हैं। देखिए, हमने ये पानी डाल दिया। अब ये हम अपने उबले हुए आलू डाल देते हैं। हमने उबले हुए आलू डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से, देखिए, 10 मिनट के लिए तो खुद उबला हुआ आलू है, टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट तक अच्छे से इसे हम पकाएंगे। देखिए, इसे हमने छोड़ दिया है, अब इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। हम 10 मिनट तक इसे हम कम पे ही करके पकाएंगे। ऐसे करने से स्वाद सब्जी का बहुत अच्छा आता है। ना लहसुन ना प्याज ये सब हमने नहीं डाला। कम चीजों से हमने सब्जी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट बन के सब्जी तैयार होती है। ऐसे ही बना के आप सब्जी खाइए। देखिए, कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। देखिए, सब्जी हमारी तैयार हो गई है। बस ऐसे ही रहना चाहिए। हम चूल्हे को बंद करेंगे। देखिए, ना हमने लहसुन डाला ना हमने प्याज डाला। कम चीजों से झटपट हमने करवा चौथ के लिए आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बना के हमने तैयार की है। ये बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है हमारी सब्जी। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।